नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमेठी में सैनिक स्कूल काहर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस दौरान कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूरा कार्यक्रम काहर के सैनिक स्कूल परिसर में हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिवस है, ऐसे में ये 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। काहर के सैनिक स्कूल परिसर में ये कार्यक्रम जारी है। अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, दरअसल अमेठी में कुश्ती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में लगातार जन्मदिवस मनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर एक कुश्ती प्रतियोगिता रखी है। दरअसल अमेठी में सैनिक स्कूल काहर राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो कुश्ती में भाग ले रहे थे उनसे बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस दौरान कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अमेठी से मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय, 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी भी क्या कार्यक्रम जारी है? जी जी, आपको बताते चले कि जहां लगातार 2 दिनों से पिछले 48 घंटों से बारिश का माहौल रहा, ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के दिन पे जो है बहुत ही बड़ा कुश्ती का प्रतियोगिता कार्यक्रम रखा गया है। मौके पे कार्यक्रम का शुभारंभ पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी जी पहुंच के विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल रविजय, यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि कुछ जो बच्चियां हैं यहाँ पे, लड़कियां हैं, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। जी जी, जैसा कि हम बताना चाहेंगे आपको कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ के दौरान पिछले एक हफ्ते से चर्चा का विषय रहा है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में कुश्ती प्रतियोगिता रखी गई है। ऐसे में बाहर से काफी युवा और लड़कियां आके इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसी दौरान जो है हम देख सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में बाहर से लड़कियां जो भी आई हैं कुश्ती की प्रतियोगिता में वो शामिल हुई हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रणविजय। तो 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है अमेठी में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज और इसी उपलक्ष में तमाम तरीके के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। देश और दुनिया में कोरोना से लड़ने की तैयारियां तेज हो रही हैं। कई विकसित और धनी देशों ने COVID-19 के खिलाफ बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की प्राथमिकता दोनों वैक्सीन के साथ पूर्ण टीकाकरण की है और ये जारी रहेगा। बूस्टर डोज इस समय वैज्ञानिक चर्चा में केंद्रीय विषय नहीं है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैज्ञानिक शोधों में ये पता चलता है कि वैक्सीन के दोनों खुराक के कुछ समय बाद इंसान के शरीर की एंटीबॉडी में कमी आने लगती है। संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा के अन्य रूप हैं जो जारी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के 2 डोज वैक्सीन कवरेज टॉप प्राथमिकता रहेगी। भार्गव ये कहते हैं कि जब देश की पहली खुराक टीकाकरण कवरेज 62% तक पहुंच गई है और योग व्यस्क आबादी का 20% लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, तो ऐसे में प्राथमिकता पूर्ण टीकाकरण की है, बूस्टर डोज की नहीं। क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं, चाहे उसमें अमेरिका की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर ले, यहां पर बूस्टर डोज देने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहां पर कई लोगों को बूस्टर डोज दिए भी जा चुके हैं, लेकिन भारत में अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर दोनों खुराकें नहीं पहुंच पाई हैं जिन लोगों के साथ। लेकिन अब प्राथमिकता है कि दोनों जो खुराकें हैं वो मिल सकें, इसी वजह से इस अभियान को और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि प्राथमिकता है देश में पूर्ण टीकाकरण की, उसके बाद फिर बूस्टर डोज के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं आ पाई है। ऐसे में
पूरा ध्यान उस ओर है कि अगर तीसरी लहर आती है तो फिर बच्चों पर इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से बच्चों के लिए पहले से ही वैक्सीन तैयार हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं कोरोना महामारी संकट लगातार जारी है। लगातार चौथे दिन कोरोना मामले बढ़े हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 34,403 नए कोरोना केस आए हैं और 320 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 37,950 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 3,867 एक्टिव केस कम हुए हैं। तो चलिए आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में कोरोना के कितने मामले आए। केरल में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 22,188 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से 178 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 44,46,000 से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या 23,165 पर पहुंच गई है। पिछले एक दिन में 26,563 मरीज ठीक हुए। संक्रमण की दर 18.25% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 16 सितंबर तक देश भर में 70,24,00,000 कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है, यानी ये आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत इतनी तेजी के साथ इस अभियान को पूरा कर रहा है। बीते दिन 67.43 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 55 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीते 4 से 5 दिनों में जो मामले हैं वो कुछ कम होने लगे थे। हाथरस में इन दिनों डेंगू की बीमारी को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस बीमारी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। अगर हम बात करें हाथरस की, तो हाथरस में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है और करीब 56 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार काम कर रही है और गांव-गांव में कैंपेन कर लोगों का इलाज कर रही है, चेकअप किया जा रहा है, उन्हें जागरूकता फैलाई जा रही है। बता दें कि हम इस बीमारी की तो अब तक जितनी भी मौत हुई है उनमें से किसी में भी डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंद्रमोहन चतुर्वेदी का कहना है। उनका यह भी कहना है कि जितने भी लोगों की अब तक मौत हुई है उनके कागजात देखकर ये लगता है कि इनमें से एक भी मौत डेंगू से नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कहा जा रहा है कि डेंगू से मौत नहीं हुई है तो आखिर मौत का कारण क्या है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर डेंगू की बीमारी को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। पहले से ही स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हाथरस जिले में डेंगू के सफर हमारे पास 42 केस थे कल तक, आज कुछ रिपोर्ट आ रही हैं, 14 करीब उनकी टीमें लगी हुई हैं, टीमें उनके घरों पर भ्रमण करने गई हुई हैं और जो डेंगू से जो मौतें हो रही हैं उसमें सभी मौतें डेंगू की नहीं हैं ना। अभी तक जितनी भी मौतें हुई उनकी सब जांच कराई गई, उनमें से किसी की भी पुष्टि डेंगू होने की नहीं हो पाई है। जिसमें 8 पहले वो बताया गया था कि 8 डेथ हुई हैं उसमें, लेकिन सब में एक में तो पेशेंट ही बाहर का कहीं बाहर था, वो खाली क्रिमेशन कराने यहाँ लेके आए थे हसैन, लेकिन उसको जो निकाला गया उसमें ये निकाला गया कि यहाँ से डेथ हुई है, लेकिन डेथ कहीं बाहर हुई थी, वो अपने रेंटल हाउस में लेके आए थे उनको। बाकी अभी तक हम लोग जितनी भी डेथ हुई है सबका ऑडिट कर रहे हैं और कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी एक सैफो में कल थी नगला मेवा में, तो ये बताया गया कि डेंगू से हुई है, लेकिन जब उनके कागज़ देखे गए और सब प्रपत्र देखे गए उस बच्चे के, तो उसमें उनका लिवर की डिजीज थी उनको और उस वजह से डेथ हुई थी, उसमें डेंगू का कोई रोल नहीं था। वहीं ललितपुर में पुल पार करते समय सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पानी में गिरने का मामला सामने आया। ताजा मामला बानपुर थाना क्षेत्र के पुतली घाट का है। बता दें कि पुल के ऊपर पानी बह रहा था और बस जब पुल क्रॉस कर रही थी तभी बस अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हुआ। इस दौरान बस में लगभग 25 से 30 लोग सवार थे। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जितने भी लोग घायल है उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
तो पुल पार करते हुए अनंतित होकर बस नदी में जा गिरी। लगभग यहां पर 25 से 30 सवारियां इसमें सवार थी, कई लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा होते ही आसपास चीख पुकार मच गई और आसपास जो स्थानीय लोग थे वो इकट्ठा हो गए। सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। जेसीबी की सहायता से पुलिस को भी यहां पर पुलिस ने बस को बाहर निकाला है। इसके अलावा जो घायल थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। नोएडा में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते हैं, जिसके चलते पुलिस ने नोएडा सेक्टर 20 और ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 6 बदमाश पकड़े गए और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में लगातार लुटेरों का आतंक बरकरार है, 2 बदमाशों को गोली लगी है जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दरअसल पुलिस लगातार गश्त कर रही थी और गश्त के दौरान ही बाइक पर सवार होकर ये बदमाश वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के तौर पर इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन ये नहीं रुके, पुलिस पर फायर करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने भी फायर किया और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश को गोली लगी है, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। सेक्टर 9 में 5:45 की रात को एक लेदर गारमेंट की फैक्ट्री में चोरी हुई थी और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए SHO 20 की टीम लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एक इनपुट था कि इस घटना से संबंधित जो गैंग है वो संभवतः इस एरिया में पुनः स्ट्राइक करेगा। हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से इस पर निगाह रखे थे, चेकिंग चल रही थी हमारी। आज जो हमारा इनपुट था उसके हिसाब से एक गाड़ी बलेनो कार थी और उस कार में संभवतः इनके द्वारा मूवमेंट की जा रही थी। हम लोगों ने घेराबंदी की थी सेक्टर 8 में, अभी 2 सड़कों पे घेराबंदी हुई। ये लोग जो बलेनो कार से थे, इन लोगों ने हमारी जो घेराबंदी करने वाली टीम थी उसके ऊपर अटैक किया, जिसमें हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें से 2 व्यक्ति जो 2 सवार थे इस बलेनो कार में वो दोनों घायल हुए हैं। तत्काल उसको हम लोगों ने यहाँ से अस्पताल भिजवाया था। पूछताछ में इन लोगों ने, ये जो 2 व्यक्ति थे, इन लोगों ने स्वीकार किया कि ये जो 5:45 की घटना है ये इनके गैंग के द्वारा ही की गई थी। इसमें एक राजू राम खिलाड़ी है जो गार्ड के रूप में उस फैक्ट्री में नौकरी करने आया था और 5-6 दिन रहने के बाद उसने अपने इस गैंग के साथ, जो उसका दूसरा साथी शाकिर था और एक 2 लोग और भी हैं, उन सब के साथ मिलकर के प्लान किया और प्लान करने के बाद उसने 5:45 को इस घटना को अंजाम दिया। ये दोनों अभी गिरफ्तार हुए हैं और इस गाड़ी को चेक करने पे इसमें लगभग 7-8 बोरे जो लेदर गारमेंट्स बनाने वाले आइटम्स होते हैं वो रखे हुए थे। इसको संभवतः यहाँ के डिस्पोजल भी करने का प्लान कर रहे होंगे और इसके अतिरिक्त इनके जो और अन्य साथी हैं इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है और बाकी जो माल वहाँ से गया था उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ग्रेटर नोएडा में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, बिल्कुल, नोएडा में जो है पुलिस का ऑपरेशन क्लीन वो भरपूर जारी है और रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 जगह पर एनकाउंटर हुए हैं और पुलिस 6 बदमाशों को गोली लगने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहला मामला नोएडा के थाना 20 क्षेत्र का है, जहाँ पर थाना 20 से जो है 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने देर अभी कुछ दिन पहले ही एक लेदर की फैक्ट्री में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और ये लोग फरार थे तभी से। अब देर रात पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी बदमाश आते हुए दिखाई दिए और इनसे पुलिस की उस दौरान मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को वहां से गिरफ्तार किया है और दूसरा जो मुठभेड़ हुई वो इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर 2 बाइकों पर सवार होकर 4 बदमाश जा रहे थे, उनकी घेराबंदी की गई और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाब फायरिंग की और उस दौरान 4 बदमाशों को जो है गोली लगी है, वो घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल 6 बदमाश हैं जो मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं और सभी को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। बिल्कुल भूपेश, यानी कहा जा सकता है कि बदमाश जो लगातार आतंक मचा रहे हैं, लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इन पर अब पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से
वारदात तो होती है देखिए नोएडा में, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद पुलिस की तरफ से उस एक्शन का रिएक्शन होता है और तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। और लगातार बदमाशों पर देखिए नोएडा की पुलिस कहर बनकर टूट रही है, ये लाजमी है। और कांग्रेस के सिस्टम में तो लगातार पुलिस के द्वारा मुठभेड़ भी बदमाशों की जा रही है और या तो बदमाश जेल में नजर आ रहे हैं या उनके गोली लग के वो घायल हो रहे हैं। तो नोएडा में इस तरह का ही मामला लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर इन बदमाशों की बात की जाए भूपेश, तो क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है? हाँ देखिए, जो इकोटेक 3 थाना क्षेत्र से बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, 4 बदमाश, इन लोगों का काम था कि ये दिल्ली एनसीआर में सवारी बनकर गाड़ियों में बैठा करते थे और उसके बाद लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और ये लोग एक दर्जन से ज्यादा गाड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा जो 2 लोग थाना 20 क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं वो भी कातिल किस्म के चोर थे और वो फैक्ट्रियों को अपना निशाना बनाते थे और अपने गैंग के साथ मिलकर वहां पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नोएडा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों ही जो लोग हैं करीब इन सभी पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। बिल्कुल भूपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में लुटेरों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लुटेरे लगातार भयावह स्थिति लोगों के लिए पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके दहशत जो है वो पूरे इलाके में लगातार देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। 6 बदमाश अलग अलग मुठभेड़ों में गिरफ्तार किए गए हैं। फतेहपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से एक और जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं कई थाना क्षेत्रों में कच्चे मकानों के गिर जाने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान चली गई। इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा मवेशी भी हादसे में उनकी जान चली गई है। लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। इस इन थानों पर जिला प्रशासन ने राजस्व टीमों को भेजकर मौका मुआयना कराना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई मवेशियों की जान चली गई है और कई मासूम मौत के घाट उतर चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश लगातार हाहाकार मचा रही है। बारिश का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश की वजह से कच्चे मकान लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये बारिश वाकई लोगों के लिए अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। दीवार थी कच्ची, वो दीवार सुबह पलट गई, उसी में इतना बिखरा। क्या नाम है इनका? इखाए। कहाँ के रहने वाले हैं? जानीपुर असोथा थाना काउंडर गांव गुरुआ है काउंडर का जानीपुर। ये कब घटना घटित हुई थी? ये सुबह हुआ। तो क्या इनका कच्चा आवास था? इन्होंने प्रधान से कभी कहा था आवास के लिए? अधिक वर्षा के कारण जनपद फतेहपुर कुछ जनहानि की घटनाएं घटित हुई हैं। तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम जजरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक जनहानि जो है वो तहसील बिंदकी के ग्राम मेरहरा में हम लोगों को संज्ञानित हुई है। इसके पृथक से तहसील खागा के अंतर्गत मोहम्मदपुर गौती ग्राम में ग्राम दरियापुर के जो मजरा है उसमें 2 बच्चियों की जनहानि हुई है। चारों ही जगह पर मौके पर SDM एवं तहसीलदार द्वारा त्वरित रूप से मौके पर पहुंच करके राहत एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं परिवार जनों के लिए। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव मुड़रेसर में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने फांसी लगाने से पहले वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने ससुराल और बिचौलियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो मथुरा में युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने खुदकुशी की है और खुदकुशी करने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया और अपने ससुराल वालों पर उसने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
प्रतापगढ़ में दहेज उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जेठवारा थाना के लक्ष्मीगंज बाजार का, जहां एक परिवार ने बेटी के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ससुराल ने बहू को जहर दे दिया। बता दें कि 13 सितंबर को विवाहिता की मौत हुई थी, जिसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि जेठवारा पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत है, जिसके चलते मामले की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने एसपी ऑफिस में शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला की मौत से सनसनी मची हुई है। तो प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर महिला की मौत से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। दहेज के लिए ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो प्रताड़ित किया करते थे। मथुरा थाना फराह पुलिस की तरफ से ट्रकों को रोककर जबरन अवैध वसूली करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उनका सहयोग करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के पर्यवेक्षण में अधिकारियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान कीकड़ी में प्रभारी निरीक्षक थाना फरहा अवधेश प्रताप सिंह चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि महुआन टोल के पास कथित 4 पत्रकार ने पुलिस के सहयोग से ट्रक रुकवा लिया और ट्रक को पास के ही एक होटल के सामने NH2 हाईवे के किनारे खड़े कर ड्राइवर को पकड़कर चौकी टोल प्लाजा महुआन पर ले गए, जहां पर 3 पुलिस वाले भी हैं जो अवैध रूप से 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे, जहां प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम ने मौके पर गिरफ्तारी भी की है। कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद मथुरा में एनएच पर और एक्सप्रेसवे के ऊपर एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि पत्रकारिता की आड़ में मालवाहक ट्रकों को रुकवाता है और कई प्रकार के डर दिखाकर उनसे पैसा ऐंठ रहा है, चौथ वसूल रहा और एक्सटॉर्शन कर रहा है। ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जाँच SP क्राइम साहब द्वारा की जा रही थी। इसी के क्रम में थाना फरे क्षेत्र में टोल के पास ऐसे ही एक ट्रक को इस गैंग द्वारा रुकवाया गया। सूचना पुलिस तक पहुंची तो थाना फरे की पुलिस और साथ में SOG और SWAT की टीम ने मौके पर जाकर जांच की, तो ये घटना और सूचना सत्य पाई गई। इसी पर कार्रवाई करते हुए इस गैंग के 4 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम अजीत, जितेंद्र, बहादुर व ऋचा शर्मा है। इस गैंग के और भी मेंबर्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इनके द्वारा विगत कई महीनों से ऐसे कई ट्रक्स को रुकवाया जाता है और कई काफ़ी बार इनसे जो पैसे हैं ऐंठे गए हैं। कल वाली घटना में इन 4 व्यक्तियों की मदद करने और संलिप्तता पाए जाने पर 3 पुलिसकर्मियों को भी इस घटना में अरेस्ट किया गया है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनके जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी हुई है, बहुत जल्द उनके ऊपर भी कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से कई फर्जी ID और ID कार्ड बरामद हुए हैं। जो घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त गाड़ियाँ हैं वो बरामद हुई हैं। इनके पास से फोन बरामद हुए हैं, जिसका कि परीक्षण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी वर्ग और मालवाहक ट्रकों के जो मालिक और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको यही अनुरोध करूंगा कि यदि कोई भी आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा है, आपसे चौथ वसूली कर रहा है या पैसा एंट रहा है, तो इसकी सूचना जो है वो तत्काल आप मथुरा पुलिस को दीजिए और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आने वाले दिनों में अभियान चलाकर बहुत कठोर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल समेत 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 महीने पहले लुटेरों ने ट्रक लूट कर हेल्पर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और जब नई वारदात को अंजाम देने की सूचना सर्विलांस और स्वाट टीम को मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इनको पकड़ा है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कहा जा सकता है कि हरदोई में भी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।